नमस्ते। तो जितने लोग तक ये वीडियो पहुंचे ना, कृपया आप पूरी देख लीजिएगा। नमस्ते, हमारा नाम है मुकुंद मिश्रा। हम मुंबई के ICST कॉलेज के इंजीनियरिंग के दूसरे साल में हैं। यहाँ पर पनवेल में एज ए पेइंग गेस्ट रहते हैं, और मतलब ये हमारे ज़िंदगी का फर्स्ट वीडियो है। मतलब 19 बार रीटेक दे चुके हैं, ज़रा कॉन्फिडेंस ला रहे थे। वैसे हम यूपी से हैं, यूपी के जौनपुर ज़िले में हमारा गांव है, और हमारे पिताजी मनोहर लाल मिश्रा हमारे गांव की पाठशाला के हेडमास्टर, मतलब गांव के सबसे पढ़े लिखे आदमी। अब हमारे पिताजी ना हमें भी खुद की तरह ऐसा पढ़ा लिखा नवाब बनाना चाहते थे, इसलिए यहाँ भेज दिए। अब बचपन में ना हम फैन देखकर बोले थे कि बड़े होकर हम मशीन बनाएंगे। अब साला छोटे बच्चे को थोड़ी पता होता है कि उसको सिर्फ मशीन बनाने के लिए MIT, EIT, बिट सेट, जेई मेन, जेई एडवांस ये सब देना पड़ता है। अब छोटा बच्चा था, गलती से बोल दिया, अब उसी गलती की सज़ा हम रोज ही काट रहे हैं। उसके बाद ना हमारे पिताजी हमको रोज़ सुबह कहते, उठ जाओ हमारे मैकेनिकल इंजीनियर, हमें गांव का कल बदलना है। पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिए थे कि हमारा बच्चा इस गांव का फर्स्ट इंजीनियर बनेगा। अब साला इस मोड़ पे पहुंच गए थे ना कि हम मना भी नहीं कर सकते थे कि पिताजी हमको इंजीनियरिंग नहीं करना है, मतलब पिताजी की इज्जत चली जाती थी। हमको हमको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता था, कहीं और ज़्यादा अच्छा ना लगने लगे इसलिए छोड़ दिए। उसके बाद हमारे पिताजी हमसे कहे कि बेटा अगर ज़िंदगी में तरक्की करनी है ना, तो ये गांव के दोस्तों के साथ घूमना फिरना ये बंद कर दो। तो हम बचपन के दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी बंद कर दिए। हमको याद है हम 10वीं का पड़ाव बहुत ही जोर से पार किए थे, मतलब पूरे जिले में 7वें आए थे हम, और इनाम के तौर पर हमें पिताजी ये सैमसंग का फोन दे दिए। हमसे कहे कि बेटा जब मैकेनिकल इंजीनियर बनोगे तब टच स्क्रीन वाला दिलाएंगे। अब जब साला मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे तब इनसे थोड़ी ना मांगेंगे फ़ोन, हम बर्बाद ना हो इसलिए नहीं देते, और हमको इस चीज़ से दिक्कत भी नहीं थी। अब हमारे गांव की पाठशाला में एक ही कंप्यूटर है, उसमें हम पढ़ाई के बहाने FB अकाउंट बनाए थे जिसको हम इस्तेमाल ही नहीं किए। अब साला हमारे पिताजी का ना बहुत इच्छा था कि हम बम्बई के बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, तो हमको यहाँ फट से भेज दिए। तो हम भी खुद के ही खिलाफ यहाँ आ गए, माँ बहन खेत हमारी पाठशाला दोस्त जिनको अलविदा भी नहीं भूल सके, उन सबको छोड़ के यहाँ आ गए। वैसे ये बम्बई शहर ना बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, मतलब ज़्यादा घूमे नहीं है लेकिन सुना बहुत है, और हम जैसे जो बाहर के लोग आते हैं ना उनको बम्बई अरनबी बम्बई ये सेम ही चीज़ लगता है, लेकिन यहाँ के पता चलता है कि भैया ये दोनों दुनिया ही अलग है। अब जब हम एडमिशन्स के लिए आए थे ना कॉलेज, तो ऐसा ऊंची इमारतें, ऐसा बड़ा प्ले ग्राउंड, ऐसा अंदर होटल कैंटीन कैंटीन देख के ऐसा मतलब पागल हो गए थे। अब हमारे बैच में ना एक 80 स्टूडेंट्स हैं, हम अकेले ही यूपी से हैं। अब हमारे पिताजी हमको सब सिखाए लेकिन साला दोस्त बनाना नहीं सिखाए और लोगों से बात करना नहीं सिखाए, तो हम अकेले ही थे। और यहाँ के बच्चे भी ना बहुत ही अलग, मतलब कैसे बताए, मतलब बहुत ही मॉडर्न और फैशनेबल है, मतलब ऐसा गॉगल पे, जैकेट पे, KTM पे ऐसा कॉलेज आते हैं, और मतलब कुछ लड़कियां हैं जो ऐसा स्कर्ट में, मतलब हमको इस चीज़ से दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बस हम पहली बार देखे तो थोड़ा गड़बड़ा गए थे। और कुछ ही स्टूडेंट्स तो चड्डी पे कॉलेज आते हैं, साला 1 साल के सफ़र में हम कभी हमारे PG के बाहर भी चड्डी पे नहीं गए। और भैया अंग्रेजी तो इतना तेज़ बोलते हैं ना कि समझना छोड़िए सुनने में भी बड़ी दिक्कत होती है, मतलब हम इनकी तरह कूल नहीं थे। हम ना सिगरेट पीते, ना दारू पीते, ना नशे करते, ना कोई गर्लफ्रेंड के चक्कर में थे, और
हमारे कपड़े भैया, मतलब एक फॉर्मल शर्ट, एक फॉर्मल पैंट, हाथ में पापा की घड़ी या चश्मा और नीचे सैंडल, और इस्त्री भी हम खुद ही करते थे। और बाल अभी बढ़ाए बाल, वरना पूरा मिलिट्री कट रखे थे। वो बाजू वाला चिंटू है ना, हमको मतलब बाल देख के यही उम्र में अंकल बुलाता है। अभी हम मतलब ये सबको अगर बाजू में रखे ना, तो हम वैसे बहुत होशियार हैं, मतलब खुद की तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे कुछ उसूल है, जैसे कि हम बंक नहीं करेंगे, असाइनमेंट्स टाइम पे देंगे, जो भी है ईमानदारी से करेंगे। अभी 2-3 महीने पहले का बात है, हमारा सेम टू का एग्ज़ाम्स पास में आ रहा था, तो धीरे धीरे सब हमारे साथ ऐसा ही हाय बाय बोलने लगे, हमारे साथ बात करने लगे, हमारे मतलब फर्स्ट बेंच में बाजू में बैठने लगे, हमको बोले कि हमको मतलब कैंटीन घुमाए, हमको प्लेग्राउंड घुमाए, हमको मॉल घुमाए, हमको चीज़ फ्रेंकी सैंडविच, मतलब बहुत नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन बहुत बहुत कुछ खिलाए। और हम उनको मतलब जितने भी पढ़ाए उसके नोट्स देते, फिर उनको लाइब्रेरी में लेक्चर देते, और मतलब साला इतना कॉन्फिडेंट ना हम कभी ज़िंदगी में फील नहीं किए थे। और हमको हमको ना मतलब लड़की लोग भी नंबर शेयर करने लगी, तो हम थोड़ा गड़बड़ा जाते थे उधर, मतलब अचानक इतना सारा आ गया ना कि हम पागल हो गए थे, मतलब बहुत ही खुश थे हम, मतलब हमारे ज़िंदगी का ना ये बेस्ट पीरियड कह सकते हैं। अभी हमारा ना ये वॉचमैन है ना जो नीचे, उनका यही फ़ोन पे हम वीडियो बना रहे हैं, तो उनका एंड्रॉयड फ़ोन है और उनको चलाने नहीं आता है, तो हम उन पे हमको दे देते हैं फ़ोन, तो उनके फ़ोन पे ऐप भी खोल के हम सबको फ्रेंड भी बना लिए। तो हमारा ना 2 पेपर अच्छे से हो गए, हम धम धम सबको पेपर दिखाए, सबको आंसर्स बताए। तो क्या हुआ ना कि ये कोरोना की वजह से जो बाकी का पेपर था वो कैंसिल हो गया। तो उसके बाद ना जैसा कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन हुआ तो सब अपने अपने घर में, तो हमको सारा सबका टेक्स्ट आना बंद, ना हमको किसी का कॉल आता, अगर हम सामने से भी करें तो भी कोई उठाता नहीं या कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। हमको एक एक लड़की का मैसेज आया था कि थैंक यू मुकुंद फॉर योर हेल्प, मीन्स अलॉट, तो हम कहे कि यू आर वेलकम, हाउ आर यू, तो उसका भी रिप्लाई नहीं आया। हम सोचे कि हम ऐसा क्या कर दिए, कुछ गलत बोल दिए क्या किसी को। अभी तो हम सोचे कि साला हम कूल बनने के लिए ना फेसबुक पर मीम्स सबको शेयर करते हैं, तो सबका रिएक्शन तो आएगा, लेकिन उधर भी कोई किसी का रिएक्शन नहीं आया। मतलब हम बहुत कोशिश कर रहे थे बात करने का, हम मतलब अभी एक अकेला इंसान घर में पड़ेगा भी कितना, हम ना गेम खेल सकते थे, ना पिक्चर देख सकते थे, ना किसी से मतलब घूमने के लिए बाहर जा सकते थे। हम बहुत सोने लगे थे, हम बहुत चिड़चिड़े हो गए थे, बीच में ही रोते थे, बीच में ही गुस्सा होते थे, हम ज़्यादा सोने लगे थे, मतलब हम हमारा काबू ही खुद से हट गया था। हम मतलब अभी देखिए ना, हम जो चीज़ ज़िंदगी में नहीं कहे वो पहली बार कर रहे हैं, जैसे कि हम पहली बार वीडियो बना रहे हैं। हम पिताजी को बोलने का भी कोशिश किए कि पिताजी हमको ठीक नहीं लग रहा है, हम मतलब थोड़े गुस्सा हो रहे, थोड़े ज़्यादा रो रहे, या हम बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। तो हमारे पिताजी हमसे कहे कि बेटा ये ज़िंदगी का मोड़ है, ये सबके साथ होता है, हमारे साथ हुआ, तुम्हारे दादाजी के साथ हुआ, ये आएगा और चला जाएगा। हमारे पिताजी समझने की कोशिश ही नहीं किए कि हम क्या कहना चाह रहे थे। अब हम ना एन्जाइटी और डिप्रेशन ये सब में विश्वास नहीं रखते थे, पर साला जब वो इंसान को होता है ना वो चीज़, तब तब ही समझ आता है कि भाई ऐसा मानसिक बीमारी करके भी कुछ तो होता है। अब हमारे गांव में ना मानसिक बीमारी का दो ही मतलब है, एक तो भूतबादा और दूसरी मतलब ये पागल हो गए। साला हम गुस्सा हमारे दादाजी से नहीं है, ना हम गुस्सा हमारे पिताजी से, हम गुस्सा इस समाज से है, जो जब सर दुखता है तो हार्ट में फट से डिस्प्रिन दे देता है, लेकिन साला जब दिमागी हालत ठीक ना हो तो मुंह ही फेर लेता है। अब साला परसों का ये बात है, हम उसी उम्मीद में फोन लिए थे कि हम देखने कि फेसबुक पे हमको गलती से किसी का मैसेज आया रहेगा, तो हम खोले तो देखे कि सबने स्टोरी शेयर किए थे, और उसमें लिखा था, क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि इफ यू फील लोनली यू टॉक टू मी,
आई बेटर सी यू लाफिंग इंस्टेड ऑफ सीइंग इन योर ग्रेव एंड सुसाइड इज नॉट द ऑप्शन। अब हम का बोले बे, और कितना गिरोगे बे तुम लोग? गए 1 महीने से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे कोई बात करो, हमारा फोन उठाओ, हमसे हम तरस रहे थे कि हम हमारी सुनो मत, लेकिन हमसे बात तो करो, हम हमको तो जानो कि हमको क्या हो रहा है। साला एक फेमस इंसान अगर सुसाइड कर ले तो सबको इस चीज का फर्क पड़ता है, लेकिन आपको पता है क्या, साला हर 1 घंटे में एक ही स्टूडेंट भारत में आत्महत्या करता है, लेकिन तभी किसी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो फेमस थोड़ी ना है। ये फर्क छोड़िए, ये ना, ये सोशल मीडिया को चलाने के लिए ये लोगों को कंटेंट मिल गया, और ये जो कंटेंट है ना, ये इंसान की जिंदगी से भी बहुत ही प्यारा है। अभी 2-3 हफ्ते और गए ना, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा का एंजाइटी और का डिप्रेशन। साला वो दर्द ही बहुत अलग होता है जब दर्द बांटने के लिए भी कोई नहीं होता। अब हम यही कहना चाहते हैं कि अगर ये सोशल मीडिया की दुनिया से निकले और आजू बाजू देखे कि लोग रुके हैं, आपसे बात करने के लिए तरस रहे अकेले, तो उनसे बात कीजिए, उनको ऐसा मुंह मत फेरिए। अगर ये बोलते वक्त हम किसी का दिल दुखाए रहेंगे तो माफ कर दीजिएगा, हमारा उद्देश्य नहीं था। हमको सुनने के लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया, धन्यवाद।